उठ के बैठो, तबे से देख रहे हैं सोए पड़ी हो लाट साहबनी की तरह। हाँ तो क्या करें, हमारे घर 2 दर्जन नौकर चलते चला करते थे, तुम्हारे जैसे भिखारी नहीं थे हमारे बाप। हाँ तो जाओ अपने बाप के घर पर ही रहो, यहाँ रहोगी तो काम धाम करना पड़ेगा, सीधी बात बताई दे रहे हैं। का हो गया अम्मा, काहे सुबह सुबह खुपड़िया खराब कर रही हो? खुपड़िया तो हम तुम्हारी फोड़ेंगे, चोरू के गुलाम बने जा रहे हो। देखो अम्मा ऐसा है, हम इंडिपेंडेंट फ्रीलांसिंग की जॉब करते हैं, मतलब हम कतई स्वतंत्र आदमी हैं। हम न तुम्हारे गुलाम है और न अपने जोरू के। ए, इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर, चाहे के हमारी साड़ी पर प्रेस कर दो, वरना मार मार चिमटे तुम्हारे पिछवाड़े पर कच्चा फाड़ देंगे तुम्हारा। देख लो लल्ला, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा ही कच्चा फाड़ेगी। अम्मा ये हम मियाँ बीवी की आपस की बात है, तुम अपनी टांग ना अड़ाओ। लो अब तो हमारा लौंडा हमारा ना रहा, इस कलमुही ने हमारे लौंडे को अपने बस में कर लिया है। का कहा हमको कलमुही? हाँ तू कलमुही है। हम कलमुही हैं? हाँ तू कलमुही है। अरे कोई हमें कलमुही का मतलब तो बता दे। तुम चुप रहो, हम कलमुही हैं और तुम्हारा लौंडा बहुत चरित्रवान है, बता रहे हैं हमें कलमुही ना कहना वरना लात मार कर तुम्हें और तुम्हारे लौंडे को घर से बाहर फेंक देंगे। मतलब हमारे घर में से हमें बाहर फेंक दो। देख लो लल्ला, हम का देख ले, जब हम तुमसे कह रहे थे कि हमारी शादी मत कराओ तो जबरदस्ती हमारी शादी करा दी गई, और अब झेलो, जब तक लौंडा शादी न करे तब तक शादी कराए के पीछे पड़ी जाएंगी, और अब जब बहू घर पर आ जाएगी तो बहू से लड़ेंगी, हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हम का करें। ए, तुम जाके मुँह लो, लेटरिन करने चले जाओ या अखबार में अपना मुँह छिपा कर बैठ जाओ, हम निपट लेंगे तुम्हारी अम्मा से, तुम्हारे बस की बात नहीं है। का निपट लोगी? निपट लेंगे। नहीं का निपट लोगी? देखो ऐसा है, हमारे सिर में हो रहा है दर्द, हमारा दिमाग ना खाओ वरना उठा के पटक देंगे जमीन पर। छुटुआ तुम्हारी बहू हमें पटकने की बात कर रही है और तुम अपनी मुंडी अखबार में छुपा कर बैठ गए। हमसे ना बोला जाएगा, हम तो अपनी स्त्री मित्र रूपा से ब्याह कर रहे थे, तुम्हारी ने हमारी अरेंज मैरिज करा दी, अब तुम्हारी झेलो। मतलब तुम्हारी स्त्री मित्र है? हम कह रहे हैं ठीक है नहीं थी। सही है, अब हम भी पुरुष मित्र बनाएंगे। तुम कतई उल्लू हो, स्त्री और पुरुष मित्र बनाए जाते हैं शादी के पहले। मतलब पुरुष मित्र बनाए के हमारी नाक कटवाओगी? अरे तुम्हारी नाक तो पहले से ही कटी हुई थी, वो तो हमारे पिताजी ने दान दहेज में देकर तुम्हारा घर भर दिया। तुम्हारा लौंडा कतई नकारा निकम्मा है। ऐसा है, ज्यादा चपड़ चपड़ डा करो वरना लगाएगी 2-4 घूंसे। तुम हमें मारोगे? हाँ। हाथ भी ना लगा देना हमें, वरना अपने पिताजी से कहकर इतना पिटवाएंगे कि मूत रहोगे अपने कच्चे में। देख लो लल्ला। अरे अम्मा इतनी देर से बोले जा रही हो, देख लो लल्ला, देख लो लल्ला, कहाँ देख ले, अबे अखबार पढ़ ले तो चुपचाप। अखबार छोड़ दो, एक ही अखबार सुबह से 10 बार चाट चुके हो, और हमारा पेटीकोट ले आओ दर्जी के दुकान से। मतलब एक और पेटीकोट सिलवा लिया? का मतलब करे जा रही हो, तब से पेटीकोट ना पहने, डायरेक्ट साड़ी पहन ले। कहाँ चल दिए? हम लैटरिंग करने जा रहे हैं, आते हैं अभी। पेटीकोट लेकर आओ वरना मार मार बेलन तुम्हारा तरुआ सुझा देंगे, और लौट के लेटरिंग जाना, लेटरिंग साफ भी कर देना, तेजाब वहीं रखा है। छुटुआ आज कितनी बार हगने जाएगा, सुबह से देख रही हूँ 4थी बार जा रहा है। हम कितनी बार भी जाए तुम्हें क्या मतलब है? लेटरिंग साफ भी कर देना। हाँ ठीक है। अच्छा बहू ने कही तो लेटरिंग साफ करने के लिए तैयार हो गए? तो लेटरिंग साफ करने में ऐसी कौन सी बुराई है? आज तुम्हें बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? कि तुम किसकी तरफ हो। अच्छा बताओ, अगर बाघ पिंजरे में है, मैं और तुम्हारी अम्मा गिर जाए तो किसे बचाओगे? ये भी कोई पूछने वाली बात है, बाघ को बचाएंगे, वैसे भी बाघ इतने कम रह गए हैं।